दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला प्रचंड बहुमत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों ने देश में नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम काम की राजनीति है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर हुई चर्चा का दिया जवाब, कहा सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है आगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर किए फैसले, गिरते भूगर्भ जल पर नियंत्रण एवं नियमन के लिए जिला से लेकर राज्य स्तर तक बनी समितियां। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विश्व के सबसे बड़े परीक्षा प्राधिकरण यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए लखनऊ में जारी किया टोल फ्री नंबर, इस पर उपलब्ध विषयों के विषय विशेषज्ञ देंगे छात्रों को सलाह। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर चुकी है। आपकी लगातार तीसरी प्रचंड जीत है। आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीत ली और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबले में कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। महीने भर से भी ज्यादा वक्त से जारी दिल्ली के चुनावी दंगल का नतीजा जब मंगलवार को आया तो साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। सुबह 8 बजे से 70 विधानसभा क्षेत्रों में 21 स्थलों पर बने केंद्रों पर मतगणना शुरू हुई और थोड़ी देर बाद ही रुझान आने शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली और ये बढ़त अंत में जीत पर जाकर समाप्त हुई। पूरे नतीजों पर गौर करें तो आम आदमी पार्टी को जहां 62 सीटें मिली जो पिछले बार के मुकाबले 5 सीट कम है, तो वहीं बीजेपी को 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि उसे पिछले चुनावों के मुकाबले 5 सीटों का फायदा हुआ। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही। नतीजों में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत की तरफ बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिलने के बाद से आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी परिवार के साथ कार्यालय पहुंचे और जीत के लिए दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी जीत के लिए बधाई दी है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने की बधाई, दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं। वहीं बीजेपी ने नतीजों को स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं को निराश न होने को कहा। पार्टी का कहना है कि उसकी सीटें बढ़ी हैं और उसका वोट प्रतिशत भी करीब 7% बढ़ा है। जबकि कांग्रेस ने भी हार स्वीकार करते हुए कहा है कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करेगी। दिल्ली के जनता ने विधानसभा चुनाव में अपना निर्णय दिया है, हम उस निर्णय का सम्मान करते हैं और केजरीवाल जी को और उनके पार्टी को अभिनंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं। मैं दिल्ली के सभी मतदातागण को बहुत धन्यवाद देता हूं उनके मतदान के लिए। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस हारी है, हताश नहीं है, जनता का जनादेश है, वो कामयाब हुए। नतीजों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बाकी मंत्री चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता भी चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली के नतीजे आ गए हैं और अब जनता को उम्मीद है कि उससे जो वादे किए गए थे वो जल्द ही पूरे होंगे।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अगले महीने की 2 तारीख तक स्थगित कर दी गई है। इस दिन बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने शासनकाल में वित्तीय अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने ये भी कहा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया और खाद्य महंगाई दर भी सीमित स्तर से अधिक नहीं बढ़ी है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जो जीडीपी है वो सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 तक $2.9 ट्रिलियन हो गया, तो वहीं वर्ष 2014-15 में ये $2 ट्रिलियन था। मंगलवार को संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था और संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज किया तो बजट को देश हित में बताया। सबसे पहले बात लोकसभा की करें तो वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के संकट में होने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए साफ किया कि इसका प्रबंधन कुशल डॉक्टरों के हाथों में है और सरकार द्वारा उठाए गए स्पष्ट कदमों के कारण अर्थव्यवस्था में आरंभिक सुधार दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस एन इन्वेस्टर फ्रेंडली एफडीए पॉलिसी विद व्हिच वी एक्सपेक्ट दैट अ लॉट मोर investments because they are an automatic route will come into this country. These are the concrete steps that I'd like to put before this August House as steps taken by this government in order to facilitate reaching the 5 trillion target and also giving that necessary stimulus for the economy. साल 2024 तक $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का विश्वास व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश करेगी। इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विच वॉज अनाउंस फ्रॉम 31 दिसंबर फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2019-20 to 2024-25 a task force has been formed and they have listed out all the companies and projects with which we are going to move forward. 103 lakh crores worth of projects have been announced. उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, साथ ही उपभोग बढ़ाने की दिशा में भी पहल की है। उन्होंने कहा कि उपभोग बढ़ाने के लिए 2019-20 में सभी निर्धारित रबी और खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। रोजगार वृद्धि की दिशा में सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने तमाम योजनाओं के तहत रोजगार के आंकड़ों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना थ्रू विच 1.21 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन जॉब टिल जनवरी 2020। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विच इज PMEGY इन विच 15.94 लाख ऑफ पीपल हैव गॉट जॉब्स अप टू अक्टूबर 2019। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY थ्रू विच 15.4 लाख कैंडिडेट्स हैव बीन प्लेस्ड इन देयर जॉब बाय नवंबर 2019। वहीं राज्यसभा में भी सुबह बजट पर चर्चा शुरू हुई। तमाम राजनीतिक दलों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष ने जहां अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई तो सत्ता पक्ष ने बजट की सराहना की। इफ यू लुक एट द लास्ट 5 years, even though we grew only at 5%, which I think is makes India one of the fastest growing economies in the world even today, five year growth has been 7.4%, which still makes us the fastest growing economy in the world over a 5 year period. Anganwadi workers ke liye smartphone ki baat to kahi mananiya vitt mantri ji ne, lekin unhe shayad ye malum nahi ki pure desh mein आंगनवाड़ी वर्कर्स कितना एजिटेट कर रहे हैं। चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने जवाब दिया और विपक्ष की तमाम आशंकाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, बच्चों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर आवंटन बढ़ा रही है। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार यूपीए की गलतियों को नहीं दोहराएगी। वी आर स्टैंडिंग अप एंड आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन हाउ मच हैज बीन ब्रॉट बैक and how many people on whom we have taken action. NPAs ran into lakhs of crores and of course the cronies have ran out of the country. We are getting them all back. That is another remedy offered during the 2008-09 crisis. We certainly do not want to inherit or copy those remedies of competent doctors. बजट पर हुई चर्चा के बाद सत्र का पहला चरण खत्म हो गया। 31 तारीख को शुरू हुए सत्र में सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण हुआ। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट में अच्छी चर्चा हुई।
संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने दिया तो बजट पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री ने दिया। पहले चरण में 3 विधेयक भी पेश किए गए जिसमें से कर्नाटक के कुछ आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से जुड़ा विधेयक भी पास कर दिया गया। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 2 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन में तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस से देशभर में मरने वालों की संख्या 1110 हो गई है, जहां हुबई प्रांत में 94 नई मौतें हुई हैं। अब तक पहली बार एक ही दिन में 100 से अधिक मौतें दर्ज की गई। दिसंबर में शुरू हुई इस त्रासदी के बाद हुबई के स्वास्थ्य आयोग ने मध्य प्रांत में 1638 नए मामलों की पुष्टि की। सरकार की ओर से पहले जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर अब पूरे चीन में 44200 से भी अधिक लोग हैं जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। चीनी अधिकारियों ने कल हुबई के 2 वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, जहां पिछले महीनों से दसियों लाख लोग लॉकडाउन में हैं और चीन की राजधानी वुहान में ई प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया। एक भारतीय नागरिक भी यूएई में कोरोना वायरस से संक्रमित था। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने नोवेल कोरोना वायरस पर कार्रवाई और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर सतर्क और जागरूक रहना होगा। इन सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम COVID-19 होगा। इसका मतलब कोरोना और वी का मतलब वायरस और डी का मतलब डिजीज यानी कि बीमारी। इस वायरस की पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी। WHO ने कोरोना को विश्व के लिए गंभीर खतरा बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संकट प्रबंधन दल का गठन किया है जो COVID-19 पर ध्यान केंद्रित करेगा। संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि ये महामारी विश्व के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। शोधकर्ताओं ने भ्रम से बचने और किसी विशेष देश का नाम दिए जाने के बिना ही इस वायरस का नया नाम दिया है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका की कई सारी कंपनियां और संस्थान कोरोना वायरस का टीका विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। निर्मला मामले में सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस जारी किया और कहा कि गुनहगारों को एक साथ फांसी देने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। वहीं दूसरे दोषी विनय शर्मा ने दया याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसने याचिका में मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी को दया याचिका खारिज कर दी थी। राजधानी के इस सनसनीखेज सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में निचली अदालत ने चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार की सजा पर अगले आदेश तक के लिए 31 जनवरी को रोक लगा दी थी। ये चारों दोषी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। आयकर विभाग ने दिसंबर 2019 तक विदेशी कालाधन कानून के तहत गैर कानूनी संपत्ति और 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की आय के 422 मामलों में नोटिस जारी की है। ये जानकारी कल संसद में दी गई। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आयकर विभाग ने कालाधन, अघोषित विदेशी आय, संपत्ति और कर अधिनियम अधिरोपण के 1 जुलाई 2015 से लागू होने के बाद निरंतर ठोस कार्रवाई इस दिशा में की है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020 को मंजूरी दी। इसके अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु समिति की गठन भी किया जाएगा। सर्वोच्च स्तर राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस नियमावली के अनुसार सभी भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। धीरे धीरे जो जल स्तर नीचे जा रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश भूजल अधिनियम हमारा बनाया गया है, प्रबंधन एवं विनियमन 2020, उसकी स्वीकृति भी आज कैबिनेट से हुई है। और उसमें जो मुख्य रूप से विषय रखे गए हैं, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ऐसा बहुत सारी जगहों पर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां अतिदोहित है, क्रिटिकल है, सेमी क्रिटिकल है, धीरे धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने अभी अटल भूजल योजना का भी लॉन्च किया था 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन पर। और उन सब दृश्यों को देखते हुए हमारा उत्तर प्रदेश सभी ब्लॉक हमारे सेफ जोन में आए और सभी नगरी क्षेत्र भी हमारे सेफ जोन में आए, उसके लिए हम लोगों ने एक नियम बनाया है जो आज इस कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी है। उसके तहत आप जितने भी लोग समरसेबुल लगाएंगे उनका सबको पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
लेकिन उसमें जितने किसान हैं और जितने घरेलू लोग उपभोक्ता हैं, उनको सबको पूरी तरीके से किसी प्रकार का उसमें कोई शुल्क नहीं है, फ्री में सबका है। ऑनलाइन केवल पंजीकरण की व्यवस्था है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो लोग लगाएंगे और जो जल का दोहन करेंगे, उसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो उसका निर्धारण करेगी शुल्क का, बाकी सब चीजों का। मंत्रिपरिषद ने लोकहित और प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जनपद सोनभद्र में ओबरा को नई तहसील बनाए जाने का निर्णय लिया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की हरदोई स्थित चीनी मिल की भूमि को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को हस्तांतरित किए जाने संबंधी शासनादेश को निरस्त किए जाने को मंजूरी दी। ये जमीन अब UPAIDC को दिया जाना प्रस्तावित है। सोनभद्र में ओबरा को नई तहसील बनाए जाने के संबंध में ये वहां की लोगों की मांग रही है, क्योंकि काफी उस एरिया के जो क्षेत्र के लोग हैं वहां पर सदर तहसील जो है अभी ओबरा के से वो 140 किलोमीटर पड़ती है, तो सभी जनप्रतिनिधियों को कठिनाई भी थी, वहां के लोगों को कठिनाई थी, उसको देखते हुए ओबरा तहसील बनाई जा रही है। पहले 3 तहसील थी, अब ये 4th तहसील सोनभद्र की बनती है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड का है ये, हरदोई का विषय है। इसमें जमीन उनको दी गई थी 22.60 हेक्टर की भूमि दी गई थी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से, और ये जमीन जो दी गई थी ये 2015 का विषय है, और शासनादेश जो दिया गया था 2016 में, जिसके अंदर 99.04 करोड़ जो है 99.99.04 करोड़ जो इसकी लागत है वो उनको देनी थी। साथ ही साथ जो सर्कल रेट के ऊपर जो परिवर्तन शुल्क होता है, क्योंकि ये भूमि उपयोग जो भूमि है वो औद्योगिक एवं कृषि उपयोग की थी, तो उसको परिवर्तन शुल्क लगता है, तो उसके मिला के वो 24.12 करोड़ था, तो सब कुछ मिला के 123.16 करोड़। तो राज्य चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश की, उसने कहा कि हमारी जो वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की वो इससे बढ़ जाती है, इसलिए वो वापस करना चाहती थी, तो उसको वापस किया गया है। तो 2016 का जो शासनादेश है उसको निरस्त किया गया है, और अब ये जमीन UPSIDC को दी जा रही है, जिसके लिए अलग से कार्रवाई जो है आवास विकास और UPSIDC के बीच में होगी। राज्य महिला आयोग द्वारा कल लखनऊ में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में दे सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। प्रदेश में महिला संबंधित अपराधों को रोकने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदेश सरकार ने बनवाने प्रारंभ किए, और इसमें 74 कोस्ट कोर्ट पास्को से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 6 महीनों के दौरान महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को 1 सप्ताह 10 दिन या 15 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाया गया और सजा दिलवाई गई।
महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदेश सरकार ने बनाने प्रारंभ किए और इसमें 74 कोर्ट पास्को से संबंधित हैं। हर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ये निर्देश हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठ करके डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में महिला संबंधी अपराधों को चिन्हित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ले जा करके अपराधियों को समयबद्ध ढंग से सजा दिलाने का कार्य भी करें। समयबद्ध ढंग से सजा दिलाने का परिणाम है, आपने विगत 6 महीने के अंदर देखा होगा कि 6 महीने के दौरान महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को किसी को 1 सप्ताह में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, अपराध के 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर ऐसे मामले आए हैं जहां पर अपराधी की गिरफ्तारी, अपराधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और फिर सजा भी दिलवाना, जिसमें 3 को तो अब तक हम लोग मृत्युदंड की सजा दिलवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 15 को आजीवन कारावास की सजा सुना चुके हैं और शेष 300 से अधिक मामलों में उन्हें बड़ी कड़ी सजा दिलवाने में पिछले 6 महीने के अंदर सफलता प्राप्त हुई। ये प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो न्यायपालिका के माध्यम से अपराधियों के मन में एक भय पैदा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में महिला जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने पीएसी 54 बटालियन तो गठित की ही है, साथ ही महिला बटालियन खास तौर पर गठित की जा रही है जिनमें 100% महिलाओं को ही रिक्रूट किया जाएगा। प्रदेश के अंदर महिला जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार हुआ, प्रदेश के अंदर पहले 54 बटालियन पिछली सरकारों ने पीएसी की समाप्त कर दी थी, हमारी सरकार आई हम लोगों ने 54 बटालियन तो गठित की ही, 3 महिलाओं से जुड़ी हुई बटालियन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्पेशली गठित किए जिसमें केवल 100% महिला ही रिक्रूट रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में 1.5 लाख पद खाली थे, इन 1.5 लाख पदों में हमने अनिवार्य रूप से कर दिया कि 20% केवल महिलाएं होंगी और उन महिलाओं के माध्यम से उनकी भर्ती अनिवार्य रूप से हो, इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को भी हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीआरवी 112 पर यदि कोई महिला कॉल करती है तो उसे रात्रि में एक महिला कांस्टेबल के साथ सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं से संबंधित 2 योजनाएं प्रारंभ की हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर उसके डिप्लोमा या डिग्री कोर्स पूरा करने तक 15,000 का एक पैकेज प्रदेश सरकार दे रही है। आयोग को निचले स्तर पर समितियों का गठन करते और उसके माध्यम से एक ठोस कार्य योजना को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना होगा, तभी यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। और मुझे विश्वास है कि आज जो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं उसी का हिस्सा है। प्रदेश ने महिलाओं से संबंधित 2 बहुत अच्छी योजना चालू प्रारंभ की है, एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बालिका के जन्म लेने से लेकर के और बालिका को कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स पूरा करने तक 15,000 रुपए का एक पैकेज प्रदेश सरकार उस बालिका के नाम पर दे रही है। और दूसरा, बालिका शादी ब्याह के योग्य होती है तो 51,000 रुपए प्रदेश सरकार उस बालिका के लिए उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इन योजना को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये जो 2 योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ उन पात्रों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका महिला आयोग कर सकती है। सुल्तानपुर जिले के हलियापुर के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों को दीप पर्व के पूर्व ही दीपावली के उपहार के रूप में दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद इससे जुड़े 8 जिलों के बेरोजगार 9 युवकों को रोजगार भी मिलेगा। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश को शीर्षस्थ ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बड़िया व वाराणसी को जोड़ने का काम करेगा।
कार्य की गुणवत्ता की जांच और उसकी समयबद्धता, ये दोनों इसके आधार हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि समयबद्ध ढंग से पूरे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हम दीपावली के गिफ्ट के रूप में पूर्वांचल वासियों को इस एक्सप्रेसवे को भेंट स्वरूप दे सकें। दूसरा एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड को जोड़ने वाला है। एक्सप्रेसवे जिन 8 जनपदों से होते हुए गुजर रही है, इन 8 जनपदों की जनता का भी बहुत सकारात्मक रवैया और रुख इस एक्सप्रेसवे के प्रति है, एक बहुत शुभ लक्षण है। विकास के प्रति आम जनमानस की जागरूकता, यह विकास को कई गुना आगे बढ़ा देता है और आम जनमानस इस बात को मान करके चलता है कि वास्तव में ये विकास की रीढ़ ये एक्सप्रेसवे बनेंगे। बहुत समयबद्ध ढंग से हम इन पूरे कार्यक्रमों को आगे लेकर के चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मंगलवार को यूपी बोर्ड 2020 के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये हेल्पलाइन नंबर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक काम करेगा। इसका नंबर है 1800180531 और 1800180531। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञ होंगे जो छात्रों को परीक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें 56 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इस अवसर पर यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि ये कंट्रोल रूम सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक 2 शिफ्ट में चलेगा, जो कि परीक्षार्थियों की सहायता करेगा। इस हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि छात्र ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें। जी, बड़े हर्ष की बात है कि आज बोर्ड इतिहास में प्रथम बार शासन के निर्देश पे एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। हाई स्कूल इंटर के जो परीक्षार्थी हमारे परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनकी सहयोगार्थ हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 1800180531 1800180531 2। तो इसमें अभी अभी डिप्टी सीएम सर और प्रमुख सचिव मैडम ने सीधे बात की है हमारे विषय विशेषज्ञों से, उनसे विषय की जानकारी ली, उनसे ये भी निर्देश दिए कि आपको किस तरीके से बच्चों से हैंडल करना है, सेंसिटिवली हैंडल करना है और उनकी समस्याओं का समुचित उत्तर देना है। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है और हमारे शासन का भी ये टैगलाइन है और हम लोग की भी है कि हम तैयार हैं। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। फेसबुक ने विथिंग डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए प्रशिक्षित करेगी। प्रदेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग देने के साथ महिला मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इंटरनेट के जरिए महिलाएं होंगी मुद्दों से कनेक्ट। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं के लिए सामान्य अवसरों के द्वार खोलेगा। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयागराज में 20,000 कार्प, कतला, रोहू, मृगल मछलियां गंगा नदी में छोड़ी गई हैं। इसके माध्यम से गंगा नदी को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना है, साथ ही लोगों को गंगा के जैव विविधता और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है और मछुआरों को प्रजनन समय में शिकार न करने की हिदायत दी गई, क्योंकि इससे जैव विविधता को खतरा पहुंचता है और मछुआरों की जीविका भी प्रभावित होती है। संस्थान के केंद्राध्यक्ष डॉक्टर DN झा ने बताया कि गंगा नदी में 1 महीने तक 10% मछलियां बची रहीं तो ये लाखों में हो जाएंगी और गंगा को निर्मल बनाने में ये इनकी अहम भूमिका होगी। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कोऑर्डिनेटर अथर्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार गंगा की निर्मलता के लिए तमाम योजनाएं चलाकर गंगा को निर्मल करने का काम कर रही है। आज मछलियां जो गंगा नदी में छोड़ी गई हैं, ये सब गंगा नदी में गंदगी कम करने का काम करेंगी। इसका उद्देश्य यह है कि गंगा नदी में बहुत ये जो मूल मछलियां हैं, इनकी पैदावार यहाँ पे बहुत कम हो गई है, क्योंकि पानी
गंदा है, विदेशी मछलियों का इसमें आक्रमण हो गया है। इस कारण से इस मछलियों का प्रजनन और इसके रहने का आवास और खाने का इस सब में कंपटीशन बढ़ गया है, जिस कारण यहाँ पे पूरे गंगा तंत्र में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। जिस कारण से हम गंगा के जो ब्रूडर मछलियाँ हैं उसको पकड़ के बाहर में ब्रीडिंग करवाते हैं, उसको दो चार महीना अपने पौंड में अच्छा से देखभाल करके फिर गंगा नदी में छोड़ा जाता है, जिससे कि उनकी संख्या गंगा नदी में बढ़े और ये मछलियाँ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।